विषय तथा रिश्ते नाते लेंगे। इस भाव को धन, नयन, कुटुंब, वाणी, वाक, अर्थ, वित्त, कोष, द्रव्य, रतन इत्यादि अनेकों नामों से बुलाया जाता है। इस भाव को पनफर भी कहते हैं। ये भाव अनुपचय भाव है, ये मारक स्थान है। इस भाव की राशि मध्यम बली होती है। इस भाव का कारक बृहस्पति है। दूसरे भाव से विशेष तौर पर वित्त संबंधी चीजें देखी जाती हैं, धन का संग्रह, कोष, बैंक में जमा धन, लॉकर, विशेष कर जो लॉकर में रखे गए आपके रत्न आभूषण इत्यादि हैं, जहाँ बहुत महत्वपूर्ण कागजात हैं, ये सब द्वितीय भाव से देखे जाते हैं। इसके अतिरिक्त अपने प्रयास से संपत्ति को बढ़ाना, ये भी द्वितीय भाव से देखा जाता है। द्वितीय भाव मार्ग तथा सप्तम से अष्टम होने के कारण कभी कभी जातक या उसकी पत्नी की मृत्यु भी देता है। द्वितीय भाव से शेयर या बचत पत्र, धन संपत्ति, धन संपदा के दस्तावेज, जमीन जायदाद के कागज, चल संपत्ति, संपत्ति खरीदना या बेचना, स्वयं कुछ खरीदना या पाना, धन प्राप्ति के लिए किए गए सभी प्रयत्न या प्रयास, वो सब द्वितीय भाव से देखे जाते हैं। धन प्राप्ति का साधन या आजीविका का साधन भी दूसरे भाव से देखा जा सकता है। किसी की आर्थिक स्थिति देखनी हो तो दूसरा भाव, इसमें बैठे ग्रह, किन ग्रहों की दृष्टि है, ये सब आर्थिक स्थिति बताने में सहायक होंगे। चिट्ठी पत्र, स्वामित्व, अपनी वस्तु पर अधिकार, इसके अतिरिक्त लौकिक सुख, मानसिक आनंद की प्राप्ति और इसके साथ साथ पुनर्विवाह भी दूसरे भाव से देखा जाता है। विशेष तरह के भोग, खान पान तथा वैभव, जीवा और स्वाद, दांत, किसी को कैसी चीजें अच्छी लगती हैं अर्थात उसका स्वाद देखना हो तो दूसरे भाव में देखिए कि कौन से ग्रह बैठे हैं, किन ग्रहों का इस भाव से संबंध है, क्योंकि सभी ग्रहों के अपने अपने स्वाद होते हैं। इस भाव से चेहरा, नाक, नेत्र के साथ साथ नेत्र की दृष्टि भी, यहाँ तक कि आंखों की सुंदरता, आंख विशेष रूप से पुरुषों की राइट आई और स्त्रियों की लेफ्ट आई, ये भी दूसरे भाव से देखी जाती है। किसी के मुखमंडल की आभा कैसी रहेगी, उसका मुखमंडल कैसा है, ये भी दूसरे भाव से देखा जाएगा। दांत, नाक, नेत्र के अलावा नाखून भी दूसरे भाव से देखे जाते हैं। दूसरे भाव से ही निजी कुटुंब और उसके साथ साथ पिता का कुटुंब भी यहीं से देखा जाता है। निजी कुटुंब में पारिवारिक सुख दुख देखा जाता है। आप यहाँ रह रहे हैं, वहां का पड़ोस कैसा है, अर्थात आपके पड़ोसी, उसके साथ विद्या और विद्धता अर्थात सार गर्भित वाणी, वाक्पटुता या प्रभावशाली वाणी, ये सब आपकी विद्या प्राप्ति में सहायक होते हैं। ज्ञान, खाद्य पदार्थ, धान्य अर्थात अनाज, वस्त्र, स्वर संगीत, आवाज की मधुरता, आपकी आवाज में मधुरता रहेगी कि कठोरता, उसमें कला विधता है या नहीं, इसके अतिरिक्त लेखन कला। दूसरा भाव, इसकी दिशा ईशान दिशा होती है। ईशान दिशा उत्तर पूर्व के कोने को कहते हैं। इसमें जैसे मैंने पहले कहा कि आपका निजी कुटुंब और उसके साथ साथ पिता का कुटुंब, जिसमें दादा दादी, चाचा चाची, ताई ताऊ और उनके बच्चे भी, और इसी तरह बुआ फूफा अर्थात बृहत परिवार, बड़ा परिवार, ये भी दूसरे भाव से ही देखा जाएगा। आपके दास, मित्र, मैत्री, उनका सहयोग, ये भी दूसरे भाव के ही कारक हैं। मृत्यु, शत्रु, ये भी दूसरे भाव से पता चल जाते हैं। धातुओं में सोना, चांदी, तांबा इत्यादि धातुएं, रतन भी, जैसे हीरा, मोती, मानिका दे, और चांदी, स्वर्ण, प्लेटिनम के आभूषण भी,
दूसरे भाव से देखे जाते हैं, क्योंकि यहीं पर जमा पूंजी अर्थात आपने अब तक जो धन संचित किया हुआ है, चाहे वो आपने घर में रखा है लिक्विड मनी है, चाहे वो आपके बैंक में है। इसके अतिरिक्त दूसरे भाव से आपके आश्रित अर्थात जिन भी कुटुंब के सदस्यों का या अन्य लोगों का जातक के द्वारा, जातक अर्थात जिसकी ये जन्म पत्रिका है, जातक के द्वारा पालन पोषण किया जाता हो, और जीवन साथी की ससुराल भी दूसरे भाव से देखी जाती है। इस भाव में यदि सूर्य हो तो जातक का जन्म सुबह 3 से 5 के बीच में हुआ समझना चाहिए। ये एक मिश्रित भाव है। इस भाव से शुभ फल और अशुभ फल दोनों प्रकार के प्रभाव मिलते हैं। देखिए, शरीर की रक्षा के लिए धन नन वस्त्र द्रव्य और कुटुंब आदि साधनों की हर किसी को आवश्यकता होती है, इसी कारण इस भाव को धन भाव भी कहते हैं। इस भाव से धन का संग्रह कोष इत्यादि, बैंक बैलेंस, पारिवारिक सुख, मित्र, विद्या, खाद्य पदार्थ, वस्त्र, मुख, दाहिनी आंख, नाक, स्वर, संगीत इत्यादि जो कलाएं हैं, विद्धता है, लेखन कला है, अर्जित धन है, संपत्ति है, सोना है, चांदी है, तांबा है इत्यादि धातुओं को खरीदना और बेचना आदि का विचार तो किया ही जाता है। इसके साथ साथ धर्म में आस्था कैसी होगी, आपका धर्म में विश्वास है कि नहीं, आप सत्य और असत्य का कितना ज्ञान रखते हैं, आपकी दृढ़ता, दृढ़ निश्चय या आत्म संयम, ये सब भी दूसरे भाव से ही देखा जाता है। जो क्रिमिक समान अर्थात बनावटी समान बनता है, सुगंध इत्र इत्यादि, क्योंकि ये दूसरा भाव, इसमें काल पुरुष की दूसरी राशि आती है जिसका स्वामी शुक्र होता है और शुक्र सुगंध से संबंध रखता है। इस भाव से उदारता तथा दान देने की प्रवृत्ति भी देखी जाती है और धन के व्यय में कृपणता या कंजूसी ये भी इसी भाव से पता चलती है। जीवन मृत्यु का चक्र या आवागमन का जो नियम है वो भी इसी भाव से देखा जाएगा। जीवन शक्ति या प्राण शक्ति, मानसिक दृढ़ता, प्रबल इच्छा शक्ति, ये भी दूसरे भाव के ही काट तत्व है। इस भाव से नासिका या नाक की सुंदरता भी देखी जाती है, क्योंकि ये भाव मुख्य तौर पर वाणी का भाव है, इसलिए कुछ विद्वान इस भाव से विद्या का विचार भी करते हैं। कुछ अन्य विद्वान इसे मौखिक परीक्षा या साक्षात्कार का कारक, तो कुछ लोगों ने इसे हाजिर जवाबी मतलब उत्तर प्रत्युत्तर देने का जो कला है वो भी इस भाव से देखी जाती है। विद्या की पहचान वाणी से ही होती है, इसलिए दूसरे भाव को विद्या भाव कहने में किसी को आपत्ति नहीं होती। पुनः ये भाव पंचम से दशम होने के कारण विद्या का कर्म भी दर्शाता है। दूसरे और बारहवें भावों के स्वामी अन्य भावेश ग्रहों के सहचर्य अनुसार अपना फल प्रकट करते हैं, अर्थात उन भावों में जो राशि स्थित होती है उस राशि स्वामी की जो दूसरी राशि जिस भी भाव में होगी, उस भाव के जो कारक तत्व होंगे उन कारक तत्वों के अनुसार अर्थात उनके सहयोग से ही शुभ फल या अशुभ फल वो प्रदान करते हैं। उदाहरण देके समझाती हूँ। जैसे कन्या लग्न है तो कन्या लग्न में दूसरे भाव में तुला राशि होगी और उस राशि का स्वामी शुक्र धन स्थान का भी स्वामी होगा तथा भाग्य स्थान का भी, क्योंकि वहां पर शुक्र की ही वृषभ राशि होगी। ऐसे में यदि शुक्र धन स्थान में स्थित हुआ तो जातक को भाग्य द्वारा धन की प्राप्ति होगी। अब इसी प्रकार मीन लग्न में समझते हैं। मीन लग्न में मंगल दूसरे भाव और नवम भाव का स्वामी होता है, तो दूसरे भाव और नवम भाव का स्वामी होकर यदि मंगल दूसरे भाव में ही स्थित हो तब भी ऐसा ही कहेंगे कि जातक अपने भाग्य से धन का सृजन करेगा। इसका अर्थ ये है कि दूसरे भाव में जो राशि होती है उस राशि स्वामी की दूसरी राशि जिस भी भाव में होगी उस भाव के कारक तत्व जो भी होंगे उन कारक तत्वों के अनुसार ही धन प्राप्त होता है। अब सारांश में बात करेंगे कि द्वितीय भाव चेहरा, नेत्र, समूचा मुखमंडल, धन और कुटुंब है। सुंदर वाणी का सुख स्थान है, संचित धन और कुटुंबियों से स्नेह सम्मान तथा सरकार की अनुकूलता, ये सब इसी भाव से देखेंगे।
दूसरा भाव चतुर्थ भाव का अर्थात माता भाव का लाभ स्थान रहता है। पंचम भाव का अर्थात पंचम भाव बुद्धि भाव होता है, जहाँ इसे पुत्र भाव कहते हैं। तो पुत्र का ये कर्म भाव है क्योंकि पंचम से ये दशम भाव हुआ। छठे भाव से मामा जात चाचा ताऊ के पुत्र इत्यादि देखे जाते हैं, ये उनका भाग्य स्थान है। पत्नी के लिए अनिष्टकर है क्योंकि पत्नी के लिए दूसरा भाव अष्टम भाव बनता है और पिता के भाग्य का ये छठा स्थान होने के कारण थोड़ा अशुभ है। कभी धन का लोभ पत्नी और पिता के कष्ट को बढ़ाने लगता है। वहीं बड़े भाई बहन पुत्र वधू दामाद ये उनके सुख स्थान है। अतः संचित धन की वृद्धि के लिए एकादश भाव के कारक तत्व को संतुष्ट रखें। कारक तत्वों में मुख्य तौर पर बृहस्पति ग्रह, बड़े भाई बहन, दामाद तथा बहू आती है। हमने एकादश भाव ही क्यों चुना? एकादश भाव किसी की भी जन्म पत्रिका में लाभ का भाव होता है, तो धन की वृद्धि या लाभ होना दोनों एक ही बात है। इसलिए धन की बढ़ोतरी के लिए एकादश भाव के कारक तत्वों को प्रसन्न रखने तथा संतुष्ट रखने के लिए कहा गया है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स के माध्यम से फीडबैक अवश्य दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सदा हंसते मुस्कुराते रहें। ओम नमः शिवाय।